मिले शमी बुड्ढे बस बुड्ढे का ये तो तोड़ से मैं तो बुड्ढे पे जी उम्र हूं सच्ची पूछे तो मैंने काले बड़ा था दौड़े बड़ा तो प्यार हो रहा है मेरे तो खान ने वेदे में जिर पिए वेदे में उनकी वजह तो मेरा प्रोग्राम चले बुड्ढे होंगी का है आपने सबका एक क्वेश्चन रहे भाई होंगी है गा है चलो आपने बुरा भी लगता होगा कोई पूछ आपका जेंडर कोई भी बुरा नहीं लगता जी जैसा देश वैसा देश जैसा हमारा काम वैसा हमारा नाम। हाँ तो क्या है थोड़ा बताओगे भाई कहीं कंफ्यूजन हो रही है भाई लड़का है लड़की है या देखो इस बारे में तो सब जाने ही हैं सब मैंने देखे भी हैं इब लड़का का तो मेरा कितने ढंग लगता नहीं होगा फिलहाल आपने लगा है नहीं लड़का नहीं लग रहा नहीं लगते ना। हाँ बस जी फिर या तो देखो कलाकार ही है लाइव आने लगे चलो आपने लगे भाई ये बुंडे बोलेंगे यार मेरा ना मैंने ना बेरा था और ना मैंने नू बेरा था ये पाछे तो यूट्यूब पे भी गिरेंगी मैं तो फिर मारी ब्लॉक अपने आस पास के गणिये शर्म आई पर के कर जा गिरे गई थी फैमिली को बता था माँ को ना किसी ने ना बेरा था बाद में तो लाग गया था। हाँ फिर मैंने ब्लॉक मार दी मैं तो यूट्यूब के भी उनके अलग अलग वो बना दिए थे पुराने वही ना हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शायद दर्शकन सुमित लाल के उत्तर अमरम तुम्हारे साथ देख लग रहे हो फ्रेम जो तरह आप बहुत पहले जानो हो वीडियो आप बहुत ज्यादा देख रखी है पहले देखा करते लाइव आकर लेकिन आजकल देखा भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा है रागनी होगी सांग होगी मैडम जी आप देखियो भाई अरे एक आपका क्वेश्चन था भाई बहुत ज्यादा कि भाई अब लाइव क्यों नहीं आंदी पहले तो भाई बहुत गुंडा बोलिया कर लेकिन सभी देखा भाई बहुत सुधार दिए भाई समाज खातर भी अच्छे काम कर रही है तो सारी पूछा मैडम जी आने कहा था जब स्टार्टिंग करी तो कैसे मतलब एक स्टार कैसा है तो सॉन्ग भी देखे मैडम जी की आई नहीं है अभी तक लेकिन आप चाहो सॉन्ग में आओ तो सारी पूछा सॉन्ग में भी क्यों नहीं आ रही सब तक बड़ा आपका एक क्वेश्चन होगा भाई इनकम कितनी कर ली सोशल मीडिया से तो सारी पूछा मेरे साथ है नक्सी सोनी का मैं सबसे पहले राम राम साहब राम राम जी हरियाणवी मीडिया को और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। कैसे हो जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। लग रहा है आपके नेचर को देख के आपकी स्माइल को देख के आप ठीक हो? मैं बहुत बढ़िया आपने देख के और बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर पर आ रहे हो आप। तो मैं आपके बहुत ज्यादा फैन आपसे मिलना चाहते तो कहा मिले एक बार ये बता दें मैं जी चलो मैं कोई दूर थाना था राजस्थान में। हाँ तो फिर गोहाना मेरा शहर है वही मेरा घर है गोहाना सोनीपत। एनी टाइम 24 घंटे कभी भी आओ ना 24 घंटे तो नहीं जी फोन मैसेज करके आना अपना बहुत कम टाइम लगा है ना प्रोग्राम में मैं रिप्लाई भी नहीं कर देना ये दिक्कत भी रहनी रिप्लाई किस किस का कर जी बहुत हजारों में लिस्ट हो गए हैं। हां इस तरीके से फिर सब का नहीं हो पाता बाकी मैं कोशिश करूंगा मेन बंदे आगे खाने की नाम देखा मैं आपका मीनाक्षी है ये रियल नेम है या कुछ नहीं ये जी मेरा कलाकारी के बाद में नाम है मीनाक्षी। हाँ जी कलाकारी के बाद में किसी बहुत अच्छे कलाकार ने मेरा नाम रखा था तो उसी से मेरे को फेम मिला है। और पहले क्या नाम था? पहले का जी सोनी सोनी मीनाक्षी सोनी लगा दिया दोनों लगा दिया ये नहीं गोद का अगर हरियाणा में गोद भी है तीनों चीजें तीनों सोनी। हाँ सोनी ये सोनी आपकी माँ ने रखा था पापा ने रखा था रिश्तेदार ने मम्मी ने सोनी। हाँ जी मैम सबसे पहले आप देखा उन कैमरा वो कैमरा जाने जिंदगी कितने साल के हो गया आप? मैं जी 24 की होंगी अगले साल जनवरी में होंगी का है आपने सबका एक क्वेश्चन रहे भाई होंगी है गा है चलो आपने बुरा भी लगता होगा कोई पूछ आपका जेंडर कोई भी बुरा नहीं लगता जी जैसा देश वैसा देश जैसा हमारा काम वैसा हमारा नाम। हाँ तो क्या है थोड़ा बताओगे भाई कहीं कंफ्यूजन हो रही है भाई लड़का है लड़की है या देखो इस बारे में तो सब जाने ही हैं सब मैंने देखे भी हैं इब लड़का का तो मेरा कितने तक ढंग लगता नहीं होगा फिलहाल आपने लगा है नहीं लड़का नहीं लग रहा नहीं लगते ना। हाँ बस जी फिर या तो देखो कलाकार ही है लड़की हो भी है ना लड़की मैंने कही तो नहीं ना नहीं बेस तो फिर लड़कियां हो गया नहीं भाई बात हाँ बेस लड़कियां वाला हो गया तो ये पहचान रहेगी जी मेरी लड़की वाली नहीं चलो आप वो इस टाइम पता चल गया था भाई लड़की है लड़का भी नहीं फैमिली वालों को फिर क्या आप मेरे घर पा रहे हो ना। हाँ तो आपने पता लगा होगा मेरी फैमिली वाले सपोर्ट में है उन्हें सब बेरा सारी चीजें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं है ना तो बस मेरे फैमिली वाले सपोर्ट में रहे मेरे पड़ोसी सपोर्ट में रहे मेरा पूरा गुआना मेरी सपोर्ट में रहा कलाकार लाइन मेरी सपोर्ट में है फिर किसी कोई डर नहीं किसी का डर नहीं काम करना और खाना। तो पढ़ रहे कितने आप? मैंने जी बीए कर रखी है।
ये क्या कर दे भाई, 8 पास है, मीनाक्षी 9वीं पास है, पढ़ भी नहीं। मैंने तो आज तक नहीं सुनी जी, अब मैं किसी ने कही हो मेरा फेस टू फेस तो कोई नहीं कर दी। पीछे तो भी शायद कोई चुगली तो करे, आज मैंने कह दिया तो आएगी फेस टू फेस। हाँ, आज पहली बार आपने कही है। हालांकि कोई 12 तक कह सके है लास्ट भी। हाँ, बीए बस मैंने बीए कर रखी जी। हाँ, बीए में कितने परसेंट थे? मैंने जी थे तो मेरे थोड़े। वो तो पास। हाँ, हूँ पास। कभी ऐसा होया भाई 10th में 12th में कंपार्टमेंट नहीं? कभी भी नहीं हुआ जी। बल्कि टीचर मेरे लड़ा करते, तू और लाइन ना चेंज करे, स्कूल चेंज ना करे, तू इतनी अच्छे पढ़ाई में है। हाँ। तो मतलब अच्छे थे पढ़ाई में सब, मतलब मेरा तेज दिमाग शुरू में सारी चीजें में है। हाँ। पढ़ाई में, मेहंदी में, रंगोली में, कला भगवान ने बहुत दी है मेरे को। हाँ। लेकिन मेन कला कुछ से काम आई जिंदगी में? मेन कला है जी मेरी नाचन गान की। ये नाचना इतना प्यारा किस तरह सीखा भाई? लोग फैन आपके नाचन? सीखा नहीं जी बिल्कुल भी, कहीं भी नहीं सीखा मैंने। ऑटोमेटिकली माइंड ने परमात्मा की देन है। क्लासेस लगाई हो? ना कभी भी नहीं लगाई, मैं तो बेरा भी नहीं किसी को। एकेडमी सुनी जरूर है, लेकिन कभी मैं तो शर्म आया करे जंदे आने भी कई जंदे दिखे। अच्छा, हम खन रहने दे घर में ठीक हो। तो उस टाइम लड़की पढ़ाई लड़के भी आपका साथ में? हाँ। फ्रेंड थे, आज मिले हमें? हाँ बिल्कुल मिले, कई आके ब्याह हो गए, कई कुंवारे हैं। केक में फिर आज मिले तो घने राजी हो गया है। मीनाक्षी तुम तो स्टार होगी। हाँ बिल्कुल, कब है तो मैं भी खूब राजी हूँ। पुराने फ्रेंड आते मिलकर तो सभी राजी हूँ, कहते छोटे छोटे देखा करते। हाँ, फिर उनका डाडी मूछ भी आ गई। तो अब फिर आगे कई पापा बन रहे हैं, कई मम्मी बन रही हैं। मीनाक्षी कलाकार बनेगी, कलाकार बनेगी, दया है परमात्मा। तो फिर मैं लाइव भी आने लग गए भाई। फर्स्ट टाइम कौन सी वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया पे? मैंने सबसे पहले वीडियो बाद में बनाई थी, लाइव पहले आई थी। आईडी बनाते लाइव आ गए थे? उसी दिन मैंने आईडी बनाई थी, उसी दिन मैं लाइव आ गई थी। तो फर्स्ट टाइम कितने देखे थे भाई? 0 फॉलोअर थे उस टाइम पर, कितने देखे हुए? वो जी शुरू वाले था मेरा 3,500 थे फर्स्ट टाइम वीडियो में। 3,500 व्यू लाइव के? व्यू लाइव के? हाँ हाँ लाइव। फॉलोअर कितने थे? फॉलोअर मेरा एक भी कौन था ना, एक मैंने अपने दूसरी आईडी पर तक कराया था मैंने खुद ही। वो अकेले लाइव आए थे? बिल्लर? हाँ बिल्लर के साथ। अच्छा, बिल्ला अच्छा। था, सिंटा था, एक सत्ते जी थे। हाँ, तो फिर लाइव आने लगे। रंगारंग प्रोग्राम था रात का? रंगारंग प्रोग्राम था जी। ये रंगारंग प्रोग्राम किसने दिया था नाम? यो दिया था जी बिल्ले सिंटेर में दिया होगा कोई से। उन्हें की गेली आई थी लाइव आने लगे। चलो आपने लगा भाई ये बुंडे वो लगे यार मेरा गया। मैंने ना बेरा था और ना मैंने नू बेरा था, ये पाछे तो यूट्यूब पे भी गिरेंगी। मैं तो फिर मारी ब्लॉक अपने आस पास के। अच्छा, गणिये शर्म आई पर के करया जा गिरे गई थी। हमने को बता था माँ को? ना किसी ने ना बेरा था, बाद में तो लाग गया था। हाँ फिर मैंने ब्लॉक मार दी, मैं तो यूट्यूब के भी उनके अलग अलग वो बना दिए थे मगर पुराने आवे ही ना। तो चलो आप लाइव है कि सर ने बुंडा बोल दिया, पैसा में उल्टा बोल दिया, तो फिर की सोचा आपने ये जो की कर दिया मेरा? ना उस टाइम तो है ना बस फॉलोवर्स का चक्कर था ना, तो मैं ना बोलू है मैंने ना बेरा था एकदम था ना। शुरू वाले दिन 2,500 बद गए और फिर मेरे तक तेरे 2,500 फॉलोवर बद गए के बार लाइव आने मैंने हो गया लोभ सा। फिर मैंने एक आधा और बुंडा बोलता देखे मैं तू भी रल जा मैं किसने देखा है मैं मैंने नू ना बेरा था ना यूट्यूब पे। हाँ तो जहाँ कर तो फिर कितना फायदा उस बैतिंगा माधोड़ का उसमें? कई जगह तो जी गाड़ी भी मिली, फिर फेम भी मिला। फेम ज्यादा मिला या गाड़ी ज्यादा? ना फेम ज्यादा मिला। अच्छा, हाँ ये तो ही भी नहीं है कि हाँ उनके लिए लाइव आया करती है तो वाह ना बुंडी बोल लिया करती। हाँ मेरी मम्मी देखी आपकी लाइव कभी वीडियो? थोड़ी बहुत देखी, आज तक देखी है। हाँ देखी है मम्मी ने मेरी ने, पर थोड़ी सी देख के ये लगा लो आधे मिनट की भी नहीं देखी होगी। और मैं जब मखना बुंडे इतने बुंडे बोले करते कमेंट भी आकर गाल दिया करते शुरू में आप लोगों ने गाल दी तो की सोचा यार गाल खुद ही होगा फिर मैं तनु समझा देगा नहीं इनकी ना सुने आकर बस चलते रहे आकर। हाँ भाई खुद की मस्ती में। हाँ पर ये तो बंद कर दिया था बीच से मैं करे रखिया बल्कि बंद लाइव ना। अब क्या रीजन हो गया ये बेक? तो सबसे मेन रीजन तो जी मेरे पास तो टाइम नहीं। हाँ कलाकारी लाइन में प्रोग्राम भगवान के दया है माता रानी के दया है इतने आ जाए हैं हो रहा है गुजारा और टाइम नहीं मिलता जी मैंने एक भी दिन का लाइव आने का या और एक्स्ट्रा कुछ करने का। क्या मानते हो लाइव में आते तो आज कहाँ होते आप? इस जगह होते हैं नहीं होते ना, इस जगह तो शायद ना होती। सपना क्या था कि मैं यह बनना चाहूंगी लाइव में? सपना सपना तो जी मेरा टीचर का था।
टीचर का सपना था। नहीं कि मैं ऐसा बीए कर लिया, अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गए हो, ट्राई करियो। सरकारी का ही? अच्छा, सरकारी का। सरकारी का था। हाँ, मेरे मम्मी कहा भी करते थे कोई बालक से थी। मैं बोला स्कूल में लाग जी बालका ने पढ़ाड़ वो लाग गए हम का। अच्छा, फिर वो ही सपना बन गया। ये वो सपना है या ना? अब तो जी कुछ नहीं रहा, ये तो बस इससे मैं ध्यान हो रहा है। ये सब तो बहुत बढ़िया चीज लाग जी मने, इसमें इतनी ज्ञान की बात है, शायद पढ़ाई में भी ना हो इतनी बात। बंदा बहुत कुछ सीखने मिल जाए, बहुत ज्यादा। अगर कोई लोग पढ़े भी ना कति रद्दी हो उसते भी, और वो सांग देख ले, वो इतना पढ़ कर नहीं सीख सकता जितना सांग देख कर सीख सकता। क्या मानते हो भाई कि पहले भी लोग मिला करते अपने इस कलाकारी लाइन में, लोग मिले जो पहले लोग मिला करते बढ़िया कलाकारी में जो मिलेंगे बढ़िया? पहले तो जी मिलना ही ना होया किसी तभी स्कूल में पढ़ना और घर आना और बस। और अब जान पहचान बोलना चलना तो बया जी कलाकारी लाइन में बड़े पीछे। नहीं अब नाचन लग गए भाई, लाइव शो स्टेजा पर भी जाओ हो। तो मैं सांग से लादा रागनी हो प्रोग्राम से लादा, मैं कहीं नहीं जाती शादी पार्टी वगैरह कभी भी नहीं गई मैं, ना तो गई और ना मेरा विचार। मन लगे जी रागनी सांग बढ़िया, अपना एक वट्टी नहीं होगी भाई, मन तो ये चीज बढ़िया लगे। बस बस उसमें ज्ञान की भी जरी, इतनी टफ पढ़ाई है सांग लाइन की रागनिया की। एक टाइम बहुत पढ़ाई मुश्किल हो सक, पढ़ाई आसान हो सकती है पर ये रागनी सीखना बहुत मुश्किल बात है। नहीं अब लाइव आकर दे उस टाइम बंदे मिला कर दे, मैसेज आ कर दे, कोई साथ आ भाई चलो ठीक है, इसमें गल्ला पड़ गया यार, पसंद करूं लाइक करूं आपने को कैसे छकमा आपने पसंद आ जाए। सच बताना दिल पा रहा है कि आप कलाकार हो, झूठ नहीं बोल रही जिंदगी में को पसंद आया है मैंने? सच बताना, झूठ नहीं बोल रही आज। हाँ नहीं तो है जी, देखो प्रेम का रोड़ा है दुनिया में, किसी तो प्यार हो लाइफ। दादा लक्ष्मी चंद ने कह रखी है अब प्रेम तो बसती दुनिया सारी। किसी तो नहीं सच्चा प्यार हुआ चलो। हाँ जी उस गल शादी तक के बाद हुई, आज तक ऐसा बंदा मिला कोई ऐसा तो कोने हो या प्यार तो वही है जी, किसी ने किसी का अगला में भी था या उसने नहीं था अपने अगला वो तो अगला ही जाने जो फेक करे है प्यार करे है, है अब भी अच्छा लग गया। ना 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 नहीं अब कोई, मैं आपको बताया मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ मेरे करियर पे, मेरे गान बजान पर, मेरा परिवार का पेट चलाना है बस, और कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं है, मेरी माँ और मेरा परिवार है बस। ये क्वेश्चन हमने गलती में लगा, फिर धोखा किस तरफ तो था, आपकी तरफ था उसकी तरफ था? ना छुटिया भी को नहीं। अच्छा, आज तो बात भी नहीं बड़ी। अच्छा, आए हेलो ही मीठी मीठी बात हुई बस। अच्छा, बस छुट भी गया मतलब मेरा ध्यान हो गया ना। हाँ अलग अब ना चल जाओ भाई, बुढ़े मिले शामी बुढ़े, बस बुढ़े का ये तो तोड़ से। मैं तो बुढ़िया पे जी उमर हूँ सच्ची पूछे तो, मैंने काले बड़ा था दौड़े बड़ा था प्यार हो रहा है मेरे तो, खान ने वे देव जी रपिए वे देव है, उनकी वजह तो मेरा प्रोग्राम चले, बुढ़े नहीं सांग देखेंगे तो हमारा गुजारा नहीं जी। जवान कोई सांग नहीं देखता, रागनी नहीं सुनता, उन खातर और ये इंस्टाग्राम यूट्यूब ये बतेरी इन पर गाने सुनते हैं, सांग देखते हैं बुढ़े जी। और बुढ़ा तो मेरी जीवन की आजीविका चल रही है, बुढ़ा तो प्यार है, बुढ़ा तो प्यार है, और वो करते हैं सच्चा प्यार। उनका फेक लव नहीं है। हाँ उनका फेक लव नहीं होता। नहीं चलो क्या मानते हो भाई, शादी करोगे जिंदगी में? शादी देखो जी कि आगे का क्या आपकी क्या सोच है, करना चाहते हो नहीं करना चाहते? ये तो कोई विचार नहीं जी, दूर दूर तक। अच्छा कोई बढ़िया मैं बढ़िया सा कि मैं नहीं हो जाता ना मेरे पास खाना कमान का बढ़िया रोजगार है। नहीं चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हो भाई लड़का भी नहीं लड़की भी नहीं, तो क्या मानते हो आप लड़के शादी करो या लड़की से? वो लड़की तो लड़के का तो क्या मतलब है जी, लड़के का तो क्या मतलब है? नहीं सबका सपना होता है भाई, मैं तो ऐसा लड़का चाहिए। आपका भी कुछ सपना तो होगा जिंदगी में यार, कभी अकेले बैठ के सोचा है? नहीं नहीं जी कोई विचार नहीं आया मेरे मन में कभी भी, कैसा लड़का नहीं आया सच में, नहीं आया दिल पर आता कोई विचार नहीं आया। अच्छा नहीं कई भाई आपको कमेंट बाबा इतने क्यूट है यार, ये इतने क्यूट है, क्यों ठुकर हो उसका क्या क्या चीज का मतलब होगा उन्ना है? अच्छा। आपने बेरा दुनिया ने बेरा हो जाना क्यूट बताया करे ओ फिर मारे बस की नहीं। कभी आप लाइव समझ आते हैं ऐसा कोई बंदा मिले आपने भाई नो कोई आप सोचा उसका टेंशन ही हो भाई मेरे साथ कुछ करना चाहता है, कभी ऐसा बंदा मिला जिंदगी में? किस तरह का मतलब है? जैसे वो मीनाक्षी यार चलो आज रात में रुक जाओ तो लेट हो रही है मेरे तो कोई फिर हम तो पकड़ जाए ना सारी दुनिया तो मिला। हाँ अच्छे भी मिले हैं बुढ़े भी मिले हैं और हमें मेरा लग जाए क्यों रुकण की कह है हम तो घर आ रुकोगे ना जी अलग है मकान उसमें रुक जाए फिर तो जमाए पक्की जच जाए है नहीं कोई ऐसा बंदा मिले चलो घर आ रुक जाए फैमिली के साथ। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे, बल्कि जिस टाइम है मेरे पीछे गुंडे भी लाग जाए ना
कई बदमाश लाग जा उत्पने करण के खातर है और मैं भाज जाऊं और मैंने कि मेरा नहीं पावे तो फिर कई ने एक इंसान भगवान भेज दे आकर जी मारे घर रुक जाओ फिर अपनी मम्मी ते मिलवा सारे ते मिलवा बता दे इन्होंने बात थी फिर वो रोक भी ले है एक बंदे भी है रह रहे हैं प्रोग्राम में जाओ अकेले जाओ या फैमिली साथ ना जमा अकेली जमा अकेली कभी ऐसा जा रहे हो आ रहे हो कभी कोई पीछे लग लियो कई जगह पे ना कोई नहीं पती तो ना लग गया नहीं अब तो कह रहे थे गुंडे लग जाए पीछे बदमाश तो मैं जहाँ प्रोग्राम करू ना और वो डांस रागनी सुन के ओ जा फिर लाग ले है अच्छा स्टेज प्रोग्राम देखने के बाद पीछे गाड़ी लगा दे फिर लगा ले गाड़ी नहीं फिर कैसे हैंडल करते हुए उन चीजों आप प्यार तय करें क्योंकि प्यार तो गुस्से में कुछ नहीं हाँ एक गुस्से में तो जो पैर तोड़ देंगे है और उनके आगे के बस आगे जो कम से कम दो तीन इकट्ठे हो काम है और एक बहुत बड़े संगी हुए हैं राय जी धनपत उनका कहना है कि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार यानी कि मेरे उनके पास क्या सभी के पास ये हाथ जोड़ने का होता है हथियार इससे बड़ा और कुछ नहीं है हथियार नहीं होता वो बकस दे है जी मैं भी हाथ जोड़ दी मुखा जी रहने गरीब छोड़ दे कई जो हो जा खा सीधे उंगली तक गीना लिखड़े जो फिर हम भी घट नहीं गलते हम भी फोन करके मुखा ले मुखा तू बात कर आयुष्य तुम्हारे भी लिंक हो रहे नहीं चलो कभी ऐसा किसी पैसे ऑफर कर रहे हो पैसे ऑफर छोकमा मैंने तो बताई थी पहले अभी कमरे के पीछे भी आख मुखा बहुत मिला है पर अच्छाई के लिए कोई नहीं मिलता ये मैंने जरूरत हो ना कभी कोई नहीं देता उल्टे काम खतर कितना ये धन लुटवा लो कितना ये धन लुटवा लो नहीं कभी आपको पैसे जरूरत हुई भाई कभी आपने ऐसा काम किया पैसे के लिए जिंदगी में ना जी कभी नहीं किया मेरी माता रानी ने मेरी बहुत लिहाज रखी है मैंने हरेक तरिया मेरी माता रानी बचावा है और मैंने रोजगार दे रही है मैंने किसी का हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी नहीं अभी तक और जिसके अगर किसी ने मेरी साथ दी भी है तो मैंने उसके हाथ जोड़कर उसी टाइम पे दी है जिस टाइम का मैंने टाइम लिया था मेरी माँ पैसे नहीं खाए जिंदगी में ना कभी नहीं खाए जी क्योंकि मेरी मम्मी बताया करती मेरे तय किसी के 5 रुपये खावे ना 10 मैं का लिख रहे हैं जाते हैं क्या मालात खुश हो ये काम करके मैं बहुत ज्यादा जी अगर मैं एक दिन मेरा प्रोग्राम ना हो हालांकि जी कर है कई भरोना भी आ जाए है कंटिन्यू पेट के लिए प्रोग्राम करना हुआ है और एक दिन की भी छुट्टी ना हो कई बार रोड़ा भी आ जाओ सफर करते करते हाय देखे एक दिन का तो रेस्ट चाहिए चाहिए हाँ जिंदगी में फिर एक दिन का रेस्ट हो जाए ना उस दिन जी भी नहीं लगता हाय आज तो चाहिए उस दिन जी भी नहीं लगता है मेरे ना प्रोग्राम कंटिन्यू आंदे रहा फॉलो रहे बिल्कुल जी फोन आते रहे हैं क्या मानते भाई सोशल मीडिया ज्यादा कमा रहे प्रोग्राम से ज्यादा कमा रहे प्रोग्राम से ज्यादा कमा रहे चलो आइडिया देना एक प्रोग्राम कितने लेते हो आइडिया देना एक फोन ले लो आईफोन ले लो गाड़ी ले लो स्कूटी ले लो समझ एक दिन तक हाँ एक प्रोग्राम से ना एक फोन खरीद लियो आईफोन ने ना ना इतनी कड़ा कमाई हो आज महीने में तो खरीद लियो साहब तो महीने में तो हाँ महीने में तो हो जाए बढ़िया मैं इतना भी नहीं जी मतलब खुद का बढ़िया कर रहे हो खुद का गुजारा हो रहा है हाँ गुजारा हो रहा है जी अब खुद का क्या शौक भाई मेरी तो जिंदगी का यो शौक है बस एक मेरा शौक बस ये नाचने गाने का है जी मैं यहीं तो मरना चाहूँ एंड तक मैं तो दिल्ली भी चपला मजाया करूँ मेट्रो में भी हाँ हकीकत में मैंने सुहा को नहीं जी ना मैं फैंसी बनकर जाया ही नहीं करूँ हालांकि पिछाड़ तो मैंने जब भी ले हुए हो बूंडे ही कपड़े में जाया करूँ नहीं चलो आप जाते हो आप लोन हो या तो वो आई बुंडी बोलना जब की ध्यान हो शर्म नहीं आती यार ये क्यों की कह दिया तुमने ना आस खाली कर जाऊंगी अच्छा शर्म तो आ रही है पर छोड़ दिया ना जी लड़की ज्यादा मिल रहा है लड़के और लड़के को नहीं मिलना है लड़के तो एक आदि मिल जाए है फिर जारी शर्मांदी ना शर्मांदी कौन बोलती है हाँ छोरे तो छक्मा मिले बस स्टैंड पे रामांदी जानदी प्रोग्राम मैंने दिखा दिया तू है ना तो आपने खुद ने कहा बिल लगी बहु उस टाइम आप चल रही थी बिल लगी बहु सना भी लाई हुआ कर दी खटपट रख दी दोनों की सना कल बातचीत है बंद हो गई ना बिल्कुल है जी अभी हफ्ता एक पहले हुई थी हमारी बात वो एटोनिक में बात हो लाड प्यार तो बात हो लाड प्यार से होती वो तो हमारी सिर्फ लाइव में होती थी जी बात
पहले कहते हुए ना मतलब लोगों में बुरा ना माने ना ना है ना ना कुछ नहीं ऐसी बात हम प्यार से है। कलाकार तो एक गाने का बोल है जी तवायफ कब किसी तवायफ के साथ बगावत करती है ये उसका भी धंधा है और मेरा भी धंधा है हमारे में बगावत है। बढ़िया बोल चाल तो बिल्कुल अच्छे। चलो फिर कॉमेडी में भी आने लगे बिल्ले के लिए आने लगे थे तो कभी बिल्ला नहीं कहा यार सना अभी तो लाइव वहाँ तो लोग तो मेरी बहू है अपन जिंदगी में कुछ कर रहा चलती बहू तो बने गई तो मेरी वो तो जी देखो सिर्फ कैमरे की बहू है ना। अच्छा पिछा दोस्त भाई बहन का रिश्ता यार दोस्ती का नहीं बिल्कुल चाहे भाई बहन ला चाहे दोस्ती ला लो दोनों ही है पीछे तो कोई गलत नहीं कोई डबल भी नहीं बहुत अच्छे बल्कि नु लागया करता है का देखी मैं और सिस्टम पर जाकर देखा जी बहुत बढ़िया जी बिल्ले वर्गा तो आदमी नहीं पावे। एक प्रदीप गहलावत जी उस गेला फिलहाल बहुत चढ़े मेरी रील भी चढ़े है और ये शॉर्ट वीडियो भी डालू हूँ बहुत चढ़े बहुत पसंद करे है वो भी बहुत अच्छा आदमी उस बिल का। अब आप छोड़ी थी भाई मीनाक्षी ने तो ब्याह कर लिया किस गेला जी कई तो कहते लड़का का लग रहा है कई कब लड़की का लग रहा है तो किस का लग रहा है अब वो तो क्या है कि भी कच्चा दारिया की भी चट्टी कटनिया की भी पहले पांदा तो कोई को नहीं। कोई नहीं पांदा तो बस यही कहानी मेरी है मन तो कोई नहीं मिला जी 25 साल के हो गए आप जिंदगी में। हाँ जी मम्मी भी आपके भाई भी सारे खुश है सब भाई की शादी हो रही है नहीं हो रही है भाई की शादी हो रही है ना भाई छोटा है जी मेरा। उसको क्या बनाना चाहते लाइफ उसने भी इसी लाइन में ले आओगे ना ना वो पहले बाप अपने पेरा जी को ना तो जी देन होगा कुदरत की। हाँ ये सोंग आप तक दे रखा है। हाँ यो मेरे तुम दे रखे हैं मेरे परमात्मा ने और इसने बखूबी निभाऊ भाई तो पढ़ लिख का कि बढ़िया है मानस बन जाए तो बढ़िया बात से लंगवाड़पण मैं तो के दे रहा ना मैं सरकारी नौकरी से भी ज्यादा पैसा है जी गान बजाने की लाइन में लेकिन लोग तो सोचते नहीं भाई लोग पहला गाड़ी देकर बोलते है कोई इज्जत नहीं समझते गाणी बजानी है की मनु और कह दे वो कह नहीं कने आपके नाच गाए के मांग है। हाँ। इसे? हाँ। बुड़े मिला अपने बेरा उनके मिजाज का जी सा ले रहा है और नूरा जी रवा किसी बुढ़े का खून बता मारी हमने देख कितना पैसा कमाया जिंदगी में कितना पैसा कमाया गिनिया तो कोई जी मैंने कदे भी लगभग चलो हाँ मैं 10 लाख 20 लाख करोड़ ना गिने कितने तो कड़े आम है हाँ वो तो हाँ लेकिन बताना चाहिए ना इसी कोई बात नहीं जी खैर गुजारे का मतलब गुजारा हो जी बोले गुजारा भी हो रहा है पैसा बैंक में भी नहीं है जेब में भी नहीं सुतरा लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो रहा है अच्छा अच्छा काम चल रहा है। तो चलो कमेंट आओ पैसे स्माइल का क्या राज इतनी क्यूट है इसका याकड़ियां तो बनवाई है या उस पर नेचुरली सी ना जी हाँ मेरी माँ ने पैदा इतने मेरा भाई मेरे भी सुतरा है मेरा भाई मेरे या क्यूटनेस नेचुरली है या कोई लगा हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट ना देख लियो आपके शायद मतलब लिपस्टिक बिंदीर का जल आ रहा है एसी में रहने का फायदा कि इतने बुरे हो गए हैं एसी में रहने का फायदा मार एसी है एको नहीं नेचुरली है इतना नेचुरली मर सुनारा मैं क्या आकर है अब सुनारा ने रूप मांगा था हाँ वो दे दिया वो दे दिया बस मुझसे की देना है मेरी भी और मीनाक्षी ने तो भाई सब कुछ कर दिया आज के टाइम चलो खुद की दो बैड हैबिट बताने आज भी ये करूंगा बैड हैबिट तो क्या होता जी बैड हैबिट का क्या बताऊं जी जो आपने लग गए मैं एक तो जी मैंने ना छो गणा हुआ है जुगर के किस तरह जुगर नस दो कोई रुपये देना जो छो आवे या बस फैमिली का जो छो आवे ऊट पटांग हरकत कर कर पिए देवे है ना कई बार तो मैंने बल्कि थप्पड़ चट्टू भी चटका दिया। अच्छा। हाँ की तो मेरी वीडियो भी वायरल हो आराम था या भाई खैच का सही खैच का पूरा खून भी आए हो ऊट पटांग गट गए कभी चेहरे
कई जगह कर रही है। पीछे तो भाई महसूस हो यार गलत करे ना, महसूस तो ना होता पर मैं कई जने समझा दे कोई तेरी आकड़ काट देगा मेरा काम में तू लली कड़ू भी ना देगा काम में है जो एक तो होगी एक और और तो कुछ नहीं है और तो चलो गुड बता दे गुड तो सारी है अच्छा फिर भी सारी है जी गुड तो नहीं एक चलो एक बता नहीं है हम ना तो क्या पता गुड है बेटा सब तो प्यार करूं मैं देख के कौन जड़िया करूं किसी ने चाहे कोई तरक्की कितनी हो जाए उसकी हाँ कितनी भी हो जाए मैं देख के नहीं जड़िया करूं यहाँ पे कलाकार कहो खुद ने फिर सॉन्ग के ऊपर भी आते हैं आपके पास हरियाणा से कलाकार है हाँ आओ फिर मैं शर्म सी मान जी हूँ जी नहीं किस कलाकार का है अब तक भाई हाँ वो सबसे बड़ा कलाकार वो है सबसे बड़ा कलाकार पूजा उड्डा का उसका है अब तक पूजा उड्डा का फिर मना कर दिया मना कर दिया शर्म आ गई चलो ना तो शर्म क्यों चलो इस लाइन में तो बढ़ गई फिर शर्म किसी यो वाली लाइन पसंद को नहीं जी यहाँ सॉन्ग वाली हाँ यार तो गाने वाली लाइन पसंद को नहीं तो गाना बजा के तो आपको काम चाहिए तो गाना वाली पसंद है जो जो इसी हो रही उसे गाने हो अच्छा, ये डीजे पाव है ये कौन है मुंह तो गाना वाले स्टेज प्रोग्राम पसंद है बोले अच्छा वो कितने करा लियो वो कितने करा लियो हाँ वो चक्कड़े तो बुला लो कितने करा लियो ब्याह शादिया के नहीं हो रहा गणी है के नहीं लाइव शो खातर आन देते होंगे एक लाइव शो और यूनिवर्सिटी में उसमें है उस गांव में है नो तो सिखान खातर भी आ है कभी स्कूल में यूनिवर्सिटी में डांस सिखा दे वो नो सिखा दे रागणी भी सिखान खातर आवे है कभी परम खाना जी फेवरेट रागणी कौन सी खुद की मेरी जी खुद की तो कोनी मैं सुनया करूं दादा लक्ष्मी चंद की राय जी दनपत की वो रागणी बार बार सुनू एक रागणी हाँ एक जी नल दमयंती के किस्से से है अच्छा वो जी जब दमयंती कहती है नल से वो अपने घर जाती है और वो एक लारा जा है नल तो वो कहती है फिर तू भी मेरी गेल्या चाल तो यहाँ रागणी आती है जी और एक लेने कड़े छोड़ू वो पिया जान तभी प्यारे ने या है थारी मनसा से तो चाल घरा मारे ने जी ये आवाज भी गोड गिफ्टेड है इस खातरे कि मैं खाऊ ना कुछ नहीं खांदे जी बल्कि मैंने कभी परहेज नहीं करे सब कुछ खाया हाँ जैसे लता जी थी ना वो ना कभी परहेज नहीं करे वैसे भाई कुछ भी आएगा वही खा लिया जो तड़या होया ठंडा गरम छट छट के नहीं खाया कभी जिंदगी ना कभी नहीं खाया जी ये को नहीं मानता सारी चीज खा ली नहीं कभी जिंदगी में नशा करके देखे कभी भी नहीं जी मेरे में ना ये मेरे मारे प्रोग्राम वाले भी क्या आकर है कभी मेरे में बीडी तक भी है कायब नहीं ना डांसर लाइन में गाने बजानिया मैंने कोई ना कोई तो जरूर नशा पावे जी पर इस पर माता खुशियामी मंदिर है देवी माई का मरा उसके का नहीं आकर मैं कभी भी आज तक नशे का ही हाथ नहीं लगाया कभी ऐसे लोग बैठे तो संगत है पूरी हाँ आप यही पूछे कभी ऐसे लोग बैठे हो हाँ खूब किमे करे जाओ आपने नहीं कभी कहा मैंने कभी नहीं करे ना मैंने रीस आई ना उन्हें कभी टोकिया तो कर ले कभी ऐसा चलो आपके पास लड़की बैठ के पीरी रहा उसको दोनों बैठ के हाँ मैं तो हैरान हो जाऊं लड़की पीरी मगा का पीए जाके अब तो नॉर्मल हो रहा है चीजें देखने हाँ थोड़ा लग है जी कि हमारी कास्ट में तो बिल्कुल को नहीं कास्ट वाइज भी मैं मान लू जी हो सकते हैं कास्ट का भी मैटर बना है इस चीज में हमारे संस्कार नहीं है जी इस तरीके सुनारा में कोई सुनारा में करे हैं बतेरे हैं पर जो हमारे संस्कार नहीं है सुनारम तो सुनार का ये भाई गहने का भी काम कर आपके पिताजी को हाँ पिताजी का तो नहीं था पर दादाजी का था वो किसी कारणवश जी मेरे पापा रोर लाइन में पड़ गए वो छूट गया फिर मेरा छूट गया मेरा कतिया अलग हो गया सुनारा में बोला गाने बजाने कड़े हैं तो बोला मेरा सिया के काम फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका सॉन्ग हिंदी सॉन्ग हिंदी और हरियाणवी हो कौन सा भी यानी कि जिस पे नाचना गाना है नहीं तो वो भी सॉन्ग बार बार सुने जाओ ये सॉन्ग बढ़िया है ये तो नए नए आंदे रहे जो फेवरेट बनता रहे बाकी मैं रागणी सुनिया करूँ ज्यादातर तो मेरे 24 घंटे मेरे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री देखोगे गाना नहीं मिलेगा अपने कोई भी सदा बार के मानो रागणी है या गाने हैं क्योंकि आजकल गाने तो देखा भी नए एक नए आज 10 दिन में मेरे विचार से है ना जी सोचो तो मनोरा का के बेरा मेरे विचार से तो रागणी है जी फॉर एवर बिल्कुल एक मेरे फेवरेट सिंगर है जी सत्य कथुरवाल
जिनके बेटे हैं सोमवीर कथुरवाल, बहुत अच्छे गायक हैं। उनके पिताजी की आवाज को सुन के कोई भी है, चाहे उनकी सोबे सुन लो रागनी, उन्हें बोर नहीं होंगे जी, और इसी प्यारी लागेंगे जी। वो कहेगा लक्ष्मी चंद की तो रागनी सी है, अगर खांड की रोटी वर्ग जितना थोड़ा उड़ा ये खांड लागे, इसी चीज मतलब। तो सुबह सवेरे लगा आप घर पर हो तो किस काम करो, कितने बजे उठो? मैं भारी उठा करो जी, मतलब प्रोग्राम पर लेट पहुंचा करो, बिल्कुल टाइम के टाइम बिल्कुल। नहीं चलो एक हफ्ता गया आप में कोई प्रोग्राम में नहीं गए, फिर भी भारी उठो? फिर भी फिर तो कहती है भारी उठो। बारह एक का टाइम या दस? हाँ ना बारह बारह बोल रहा, ग्यारह बारह। ना फैमिली कोई ठंडा बीच में, ना भाई कोई? हाँ ना कोई नहीं ठंडा, मैंने बल्कि मम्मी तक कह कर सोया करूँ, जिस दिन मैंने प्रोग्राम पर जाना हो ना, मैं कहा मम्मी इतने बजे उठा दी, मम्मी उससे ही टाइम बैठा दी। रोटी पानी आ है? मैंने हाँ मैं है साग माना सारा काम आ ये तो भूल गई कई। अच्छा हाँ मैंने हो गए छह सात साल हो गए रोटी पोई। रोटी पोई उसमें एक बार भी नहीं देखा भाई, एक रोटी तो पोगा देख ले। ना नहीं देखा, अब तो लगभग भूल लेंगे सारी चीजें, बना देंगे एक दो बार ट्राई करने के बाद, बाकी नाम दिए। तो बारह एक बजे उठो फिर? फिर बस नहा धो के और बस सीधा प्रोग्राम है। नहीं घर आए रहे हो अपने, कड़ियां जाना है फिर तो एक दो मेरी फ्रेंड है गुआने है, उन दो रह जाया हूँ, और ना तो फिर बस रागनी याद करने पर लगी रहूँ मैं तो सारा दिन सारा दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना कीमती टाइम दिया। तो अंत में क्या कहना चाहोगे जो लड़के भी आजकल देखा लड़कियां फायदा उठाने सोचो, लड़कियां क्या कहना चाहोगे? ये लड़की है तो बिगन की जड़ हो रही है आजकल, छोरे सुधे हो रहे हैं और ये छोरी आके हो रहे हैं कती नजात बिरान कर कदर दी। हाँ छोरी उत हो रही है जी बहुत। क्या मतलब छोटे कपड़े या चल छोरी भी थी उल्टी उल्टी बोलवा ठीक है ना? जमा भी ठीक को नहीं, मैंने मैं कौन बढ़िया लग दी मैंने अपनी पुरानी याद आ लाइव आया करती ना। अब तो आपने छवि सुधार दी भाई ठीक है, छवि जी मन तो बहुत अब पुरानी लाइव आ गया जी की ना, मैं तो दिखते को नहीं, मैं तो स्किप कर दिया करूं मैं करना। अच्छा अच्छा मैं भी हां बिल्कुल जी, मुझको ना बढ़िया नहीं लगता जी, सौदा समाज में रहना है तो अच्छा ही था ये रहना है। ऐसा क्या हो गया लाइफ में भाई जी उतरी हम चीजें बस कोई इंसिडेंट हो या वैसे ही तो जी कोई और बुंडा बोलना ना, बल्कि दिख जा तो हमने ही बुंडा लग गया। फिर मैंने सोची मैं देख जब मैं बुंडा बोला करती मैं कोई कितनी गाल देता होगा मेरे पे, इसका शर्म आपको खुद का मन में आवे ये मेरे मन में आवे बाकी ना शर्म नहीं आती। तो उनको क्या करता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको जी लव यू दिल से दिल से लव। थैंक यू मैम, अगली बार उम्मीद कर रहा हूँ आपकी करोड़ों में कमाई हो और भी ज्यादा आपका आप आपका भी साथ जाओ मेरी कमाई में, इसी हो दो चार लाख हम दो महीने जरूर। तो थैंक यू गाइस आपका ये पूरी वीडियो देखने खातर, वीडियो को सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।